हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस ब्लॉग 2.0। तो दोस्तों, कई दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि जो मेरा लैपटॉप था जिससे मैं एडिट करता था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और शायद जो ब्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ वो भी थोड़ा लेट ही आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक अपना अच्छा सा दोस्त, उससे मिलवाता हूँ आपको, क्योंकि वो जाने वाला है। Tap to edit. Tap to edit. इसके भी किस्से सुनाता हूँ आपको, क्योंकि इसके भी कुछ ही दिन रह गए, उसके बाद ये भी अलविदा होने वाली है। क्यों अलविदा कर रहा हूँ इसको, उसका भी कारण बताऊँगा। पहले बताता हूँ, ये मैंने जब जॉब करना स्टार्ट की थी उसके पैसे जोड़ जोड़ के, तब मैंने 2009 का मॉडल है ये हीरो होंडा की। ये मैंने इसलिए ली थी, ये दोस्त की बात ये थी और ज़्यादा उस समय यही चल रही थी, तो उसको देखते हुए मैंने भी ये ली। और इसमें मेरा साथ बहुत दिया है लंबे लंबे सफ़रों में। इसको मैं 2-3 बार ही उत्तराखंड भी ले गया हूँ, जहाँ पर मैंने खूब चलाया इसको। दिक्कत तो इसने रास्ते में ना आते समय दी ना जाते समय, बस कब यहाँ को आ रहे थे अगले दिन, तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा थी। वो मुझे पता था जो इसका प्लग था वो प्लग ख़राब हो गया था, तो वो प्लग मैं यहीं से ले गया था चेंज करने के लिए। जैसे ही वो प्लग चेंज किया तो बाइक अपनी दोबारा स्टार्ट हो गई। तो ये अपनी प्यारी बाइक, तो इसको जो परचेज़ किया था मैंने 2009 में किया था, और अब इसको हो गए 14 साल, एक साल और बचा हुआ है। और ये लॉकडाउन के बाद तो मैंने बहुत ही कम चलाई है, और इसके बाद ऐसा नहीं है चलाई नहीं है, मतलब कम चलाई है, मगर इसकी सर्विस रेगुलर टाइम पे करवाई मैंने, और जो सर्विस नहीं करवाई 2-3 महीनों से सर्विस नहीं करवाई, इसका बंद पड़ी है। अपने मामा के लड़कों को भी देती हूँ, उसने भी चलाई है, मगर फिर तब से ये बंद ही पड़ी हुई है, ना मैंने स्टार्ट किया ना इसमें सर्विस करवाई इसकी मैंने। तो इसके किस्से सुनाता हूँ आपको, आई होप कि आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। जब मैंने बाइक ली थी तो बाइक ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मगर अचानक ही हीरो होंडा की बाइक में जो मैंने ये हंक ली थी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो क्या प्रॉब्लम थी, जैसे ही बाइक ठंडी होती थी तो स्टार्ट हो जाती थी, और जैसे ही बाइक थोड़ी सी गर्म हुई 1-2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक ही बहुत हाई हो जाती थी, और हाई होने के बाद टेम्परेचर हाई होने के बाद बंद हो जाती थी, फिर ठंडी होती थी, फिर चलती थी, फिर गर्म होकर फिर बंद हो जाती थी। जैसे ठंडी होती थी फिर चलती थी, स्टार्ट करो आप ले जाओ 1-1.5 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर, उसके बाद बाइक बंद हो जाती थी। अब तो बंद ही है,